नमस्कार, मैं विनीश कुमार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। लोकसभा का बिगुल बजा हुआ है और हम फरीदाबाद की तिगांव विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं भी चौकीदार के बारे में लोगों को जागरूक किया है और उन्हें कहा है कि जितने भी देश भर से लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं वे सभी चौकीदार हैं। लेकिन यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार कम हुआ या नहीं, या वो भी चौकीदार है या नहीं, क्योंकि हम जनता से बात कर रहे हैं। किसी भी पॉलिटिकल लीडर से बात करेंगे तो ये कन्फर्म है कि वो चौकीदार होगा। आइए हम जानते हैं यहाँ की आम जनता से कि वो क्या कहती हैं। सर, दरअसल अभी आपकी नज़र में क्या लगता है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है? बहुत कम हुआ है, मतलब पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है? नहीं, पूरी तरह तो नहीं हुआ है, लेकिन लगभग 90% खत्म हो गए हैं। काम को मामले में आपको क्या लग रहा है कि आपके एरिया में जितने भी काम थे वो कंप्लीट हो रहे हैं, या फिर अभी लगता है कि जो चीज़ बोली गई थी कि हाँ काम होंगे या नहीं होंगे वो अभी अधर में अटके हैं? नहीं, काफ़ी चीज़ हो गई है, थोड़ा बहुत गुंजाइश है, तो वो मैंने हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो क्या लग रहा है कि आप भी चौकीदार हैं? हाँ, हर नागरिक चौकीदार है। वो अगर कोई कहीं करप्शन हो रहा है या कोई चीज़ हो रही है तो उसमें उसको रोकने के लिए हर कोई वो करेगा, जो भी उसकी हो सहयोग करेगा। नहीं, घोषणाएं तो बहुत सारी हुई हैं काम करने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था फरीदाबाद के जो सांसद हैं, चुनाव आचार संहिता लगने से पहले कई सारी घोषणाएं भी हुई। आपको क्या लग रहा है कि वो जो घोषणाएं वो घोषणाएं रहेंगी या उसको लगता है कि पूरी भी होंगी? देखिए विनीत जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मोदी जी से पहले भी बहुत सारे हमारे देश का जो प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने घोषणाएं काफ़ी की। मैं देश की बात ना करके अपने प्रदेश की बात करता हूँ। हमारे क्षेत्र का जो नहर पार को जोड़ने वाला जो पुल था उसकी लगभग 10 साल जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही तो 10 साल तक उन्होंने हमें यही घोषणा करते रहे कि अगले साल हमारा पुल बन जाएगा, इस साल पुल बन जाएगा, और इतने करोड़ रुपए हमने पुल के लिए उसको हमने पारित कर दिया है। लेकिन उन 10 साल में हमारा एक भी कार्य नहीं हुआ, लेकिन घोषणाएं हुई। नहीं, घोषणा नहीं, ये आप बताइए जो घोषणा जो हमारी चल रही थी कंप्लीट, वो अभी आपको लग रहा है जो की गई थी आचार संहिता लगने से पहले, वो आपको लग रहा है कि पूरी होंगी? वो देखिए, जब से हमारी प्रदेश सरकार, हमारी हरियाणा में भाजपा की सरकार आई है, जितनी भी घोषणाएं हुई हैं, मैं वार्ड नंबर 25 से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रहा हूं काउंसलर का, मैंने लगभग पिछले अपने चुनाव से पहले मैंने कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए के तो मैंने चुनाव से पहले कार्य कराए। लेकिन मेरे ही वार्ड नंबर 25 में मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर जी और मनोहर लाल खट्टर जी, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनका अगर मैं पूरा अमाउंट जोड़ूं अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो उन्होंने हमें राशि धनराशि दी है वो लगभग 30-32 करोड़ रुपये बनती है। तो घोषणाएं नहीं, यहाँ पर कार्य हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप भी चौकीदार हैं फिर? जी, मैं चौकीदार हूँ। जब मेरा देश का प्रधानमंत्री चौकीदार है तो मैं भी चौकीदार हूँ। नहीं, अगर बाय द वे ये जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं या कभी ऐसा लगता है कि आपके सामने हो रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आप उसको रोकेंगे फिर? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जो हमारी भाजपा की जो नीति रही है, जो कार्यकर्ता जो होते हैं वो भ्रष्टाचार को रोकने में अपना पूरा दमखम लगाते हैं। हमने देखा है पहले कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार को होते हुए देखते हुए, लेकिन आज ऐसा कभी भी नहीं, आज कहीं भी ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो। छोटा मोटा भ्रष्टाचार है उस पर भी हम लगाम लगा लेंगे। सर, आप भी चौकीदार हैं? बिल्कुल चौकीदार हैं, और हम तहे दिल से इस प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का स्वागत करते हैं, और हम सारे देशवासी चौकीदार हैं। हम सबको ये समझ के चलना होगा कि केवल प्रधानमंत्री मोदी जी ही इस देश के चौकीदार नहीं, हम भी हैं, तो उसमें हमारा जो हिस्सा बनता है उसे हमें पूरा ईमानदारी के साथ निभाना होगा। सर, अगर ये बोला गया कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है वो चौकीदार है, तो क्या आपको लग रहा है कि जब आप कोई काम कराने जाते हैं तो आपको लग रहा है कि उसमें कुछ भ्रष्टाचार नहीं दिखते फिर आप? नहीं, हम नहीं, हमें कहीं कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि चाहे भ्रष्टाचार हो रहा हो। भ्रष्टाचारियों पे आज लगाम लग गई है, आज भ्रष्टाचारी रो रहा है, आज भ्रष्टाचारी कलप रहा है। अगर नहीं, अब बिजली की मान के चलिए, जो बिजली के कुछ लोग यहाँ आरोप लगा रहे थे कि बिजली के कुछ काम हो रहे थे, तो बिजली के कुछ काम कराने के लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ दिया जा रहा है, ये ऐसे आरोप हमें सुनने में आए थे, तो आपको क्या लग रहा है ये भ्रष्टाचार नहीं है फिर? नहीं, अभी तो ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं है। पहले कांग्रेस के शासन में बहुत भ्रष्टाचार हुआ, और जाते थे कनेक्शन लेने के लिए तो वह पैसा की डिमांड किया था, लेकिन आज के डेट में बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है। तो मतलब ये है कि आप भी चौकीदार हैं? बिल्कुल, हम नरेंद्र मोदी का चौकीदार हैं, और हम लोग पूरा भारतीय जनता पार्टी जितने भी हैं सारे चौकीदार हैं नरेंद्र मोदी का। आप अंकल जी, आप एक बात बताइए कि अगर आपको क्या लग रहा है कि जो आपके एरिया में जितने भी काम हो रहे हैं, जो ठेकेदार आते हैं,
वो आपको लग रहा है कि बिल्कुल पाक साफ हैं, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं उसमें भी कुछ कमियां नज़र आ रही थी, जहां आपको लग रहा है कि छोटा मोटा भ्रष्टाचार फिर भी उसमें हुआ हो? अभी हमारे वार्ड में और हमारे ही मोहल्ले में गली बन रही थी, हमारी ही गली बन रही थी, तो उसमें जो ठेकेदार काम कर रहा था, तो ठेकेदार की जो मैंने कमी देखी और देख करके मैंने तुरंत ही पहले अपने पास में फ़ोन किया, उसके बाद मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा ये कमी हमारी पूरी करो और तभी आपका हम ये एस्टीमेट पास होने देंगे। वो हमारा काम हुआ, यानी अगर जब तक हम जागृत नहीं हैं तब तक हम अपने समाज को जागृत नहीं कर पाएंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने यही सिखाया है कि जब तक हम जागृत नहीं हैं, हम भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकते, तब तक भ्रष्टाचार ये रुकेगा नहीं। इसलिए हम सब एक होकर के और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए दृढ़ संकल्प है और अपना विकास, अपने क्षेत्र का विकास ढंग से करवा रहे हैं। नेता से काम करवाना होता है और उस समाज में। तो सर आप भी चौकीदार हैं? बिल्कुल, अपने चौकीदार के चौकीदार हैं जी। नहीं, चौकीदार के चौकीदार तो आप होता है कि नरेंद्र मोदी जी के चौकीदार। हमारा प्रधानमंत्री चौकीदार, हम चौकीदार, वो देश के चौकीदार, हम जनता के चौकीदार, चौकीदार तो हैं। वो पूरे देश में भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो देश के चौकीदार हैं, आप जनता के चौकीदार हैं। आपने कभी देखा कि आपने भ्रष्टाचार रोकने के लिए कभी अपने आप कदम उठाया, किसी को रोका फिर? बिल्कुल उठाया है। बेसिकली इस नहर पार में मुझे पुलिस डिपार्टमेंट को देखने के लिए सौंपा गया है और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आज इतना ज़्यादा जो है बदलाव है कि आज कोई भी कई लोग शिकायत करते हैं कि आज ही पुलिस वालों के पास जाओ तो परेशानी खड़ी होती है। कई बार होता है कि वो डिमांड कर रहे होते हैं, वो विपक्षी होते हैं। आज सच्चाई आप कैसे कह सकते हैं? जनता है, वो जनता का कोई जनता का चेहरा विपक्ष नहीं होता कभी, कभी भी ये नहीं कहेगी, क्योंकि जनता ये जानती है कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर इतना ज़्यादा बदलाव आया है कि आज FIR जो है पहले कांग्रेस के सरकार में इतने ज़्यादा, मतलब रोज दौड़ते रहो, महीनों दौड़ते थे लोग, लेकिन FIR दर्ज नहीं होता था, आज तुरंत होता है। हाँ जी, आपको क्या लग रहा है जो पुलिस का जो कार्यशैली है, ये आपको लगता है भ्रष्टाचार मुक्त है फिर? हाँ जी, मुक्त है, सब कुछ नहीं है, देश सही चल रहा है, सब कुछ, ऐसे कोई दिक्कत। तो आप भी चौकीदार हैं फिर? हाँ जी, हाँ जी सर, हम भी चौकीदार हैं। प्रधानमंत्री के साथ में उनके कंधे से कंधा मिला करके हमें सहयोग करना है कि हमारी देश प्रगति पे हो। लेकिन जहाँ तक आपने पुलिस के लिए पूछा, पुलिस में उतनी बदलाव नहीं है, दिखाने के लिए है, पीछे से होता कुछ और है। तो मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ये चल रहा है, भ्रष्टाचार पूरी तरीके से हमारे देश में या हमारे एरिया में जहीं भी कहीं भी हो, वो खत्म नहीं हुआ? अभी खत्म नहीं हुआ सर, थोड़ा एक चांस और देना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को, अगर वो आएंगे तो हमारा देश से भ्रष्टाचार 90% मुक्त हो जाएगा। लेकिन अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है। जहाँ तक हम प्रधानमंत्री जी को सहयोग करेंगे, हमारे केंद्र में दोबारा प्रधानमंत्री बन के आए, तो हमारे देश में बहुत तरक्की होगा। ठीक है, मतलब साफ है कि जो शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश की जनता को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि मैं भी चौकीदार। अब चौकीदार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला हो या कोई गलत काम करने वाला हो, ये तो जनता के बीच में फैसला होता है कि वो कितना चौकीदार हैं। हाँ, ये है कि कई लोग तो ये परेशानी उनको आने की परेशानी आती है कि चाहे पुलिस डिपार्टमेंट चला जाए, चाहे कोई सरकारी विभाग चला जाए, वहाँ कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार तो है, ये भी जनता अभी तक मान रही है। लेकिन जनता का ये राय भी है कि एक मौका और इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहिए। ये तो वक्त ही बताएगा जब लोकसभा के इलेक्शन या उसके होने के बाद जो परिणाम आएंगे। मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।